नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। हमारे यहाँ सामने बैठे हुए पत्रकार भाईगण, हमारे रियल में हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। सारे यहाँ जितने भी हम लोग पंचायत से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उप मुखिया हैं, प्रमुख हैं, सारे लोग बना रहे हैं पेंशन। ये सब काम तो हम सारे जनप्रतिनिधि लोग तो कर ही रहे हैं। आप यहाँ जो MLA हैं, MP हैं, आप लोग का दायित्व है बड़ा बड़ा यहाँ पर लोग विधानसभा में आप लोग के बात, यहाँ की जनता की बात को, आवाज को रखने का। लेकिन यहाँ पर चुनकर जो जाते हैं, ये जब चुनकर जाते हैं तो इकलौता चुनकर जाते हैं, यहाँ हमारे निरसा की जनता को आवाज को नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वो शांत होकर चुपचाप बैठे रहते हैं। आज रियल में आप लोग आज जो हमारी मूलभूत सुविधा है, एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, एक अच्छा कॉलेज नहीं है महिलाओं के लिए, अच्छा हाई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, ना कोई शिक्षा का व्यवस्था है। क्या हम आज को भेज देते हैं यही चुनके लायक? हम लोग खाली चुनने के लायक है क्या? और विधानसभा में आवाज उठाकर उनके हक के लिए लड़ाई। लेकिन आज हमारे यहाँ दो दो डैम है, मायथन डैम और पंचित डैम। रियल में आप बताइए, क्या सिंचाई के लिए क्या पानी है किसानों के लिए? क्या प्योर वाटर, शुद्ध प्योर जल है? पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है। हमारे यहाँ से सारा जगह पानी जा रहा है, कुछ जगह में रॉ वाटर पानी गया हुआ है पाइप बिछा के। रॉ वाटर क्या मनुष्य कितना यहाँ पॉल्यूशन से, उस पानी से बीमार होकर अस्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन क्या शुद्ध जल का हम लोग को कोई हक नहीं है? तो पीने का जब हम पानी का मूलभूत सुविधा नहीं दे सकते हैं, हम सिंचाई के लिए पानी नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर अभी भाई बता रहे थे मजदूर, रियल में अभी यहाँ पर जितना भी कम फैक्ट्रीज थे सारे बंद हो गए। और यदि युवा साथी हैं, उन लोग का क्या रोजगार करने का हक नहीं है? हमारी महिला बहने क्या कोई काम करने का ये नहीं है? कोई सुविधा काम करने के लिए नहीं दिया जाता है। और अभी भाजपा सरकार इनको अभी बारे में बता रहे हैं कि महिलाओं को अभी बहुत स्वयं सहायता समूह के रूप में ग्रुप बना रहे हैं। ग्रुप पहले नेता नेत्रीगण बोला इतना झूठ, BJP सरकार इतना झूठ बोला, ये भाषण को आगे रखने का चीज रहता तो कोई आगे लोड होता। अगले विधानसभा लोक चुनाव में मोदी जी बोला था झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड राज्य से झारखंड मुक्ति मोर्चा को मुक्ति दिला दो, उसका मतलब साफ करो। लेकिन इतना BJP का हवन में भी हम लोग का हेमंत बाबू गुरु जी विधायक लाया तो कहाँ कौन? तो इसलिए सारा झारखंड में माहौल बहुत अच्छा है, इसलिए हेमंत जी हम लोग का मुख्यमंत्री बन रहा, कोई सोचने का बात नहीं है। हो सकता है यहाँ आप लोग सोचेगा तब मुख्यमंत्री बनने जा रहा था, यहाँ हम लोग का कहाँ इतना आदमी। लेकिन मैदान में पूरा गर्म है माहौल, और इस मैदान में जो आया है सारा नेता लोग, कार्यकर्ता लोग है। आ, हम लोग आकर जाकर के मैदान में नरेंद्र सिंह जी मंच पर उपस्थित, और हमारे सभी बात हो रही है हम लोगों के महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में
अशोक मंडल जी आए हैं, आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। अशोक मंडल जी को हम लोग भारी मतों से विजय बनाने के बारे में यहां पर संकल्प लेने के आए हैं और इस बात को प्रचार करना है, बताना है लोगों को, आम जनता के बीच में। अशोक मंडल हम लोगों के बीच में सही चुनाव होगा। जो वर्तमान परिस्थिति है, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसमें आपको अशोक मंडल यहाँ के लोगों के बारे में जो बुनियादी सुविधाओं हैं उन तमाम चीजों के बारे में चर्चाएं करेंगे अपने विधानसभा में जाकर के। पता था जिसकी चर्चाएं पूरे दुनिया में होती थी, पूरे भारतवर्ष में होती थी, लेकिन आज यह स्थिति है कि हम लोग वीरान हो गए हैं। वीरान क्यों हुए हैं, किसके कारण से हुए हैं, निरसा में किन लोगों ने हम लोगों को वीरान किया है, इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं कि लाल झंडे के नीचे तमाम जगह आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में आपको कारखाना बंद हो गया, कारखाना बंद करता है और आपको राष्ट्रद्रोही का नाम दे। अभी आप आ रहे थे, हम आपको यहाँ पर कुमारी ब्रिज के पास में बंद मिल गया, आपको रोड जाम था, भयावह रूप से जाम था रोड, और बराबर जाम रहता है यह आप जानते हैं। इसके लिए आंदोलन हुआ था, इसके लिए हम लोग आंदोलन क्या था, हरदेव मंडल लिखा पड़ी क्या था ओवरब्रिज के लिए, आपको कोई विधायक ने नहीं लिखा पड़ी किया था, आज तक विधायक ने आज तक कभी विधानसभा में क्वेश्चन भी नहीं किया था, लेकिन आपको जब हम लोगों ने देखा ओवरब्रिज बनने में टाइम लगेगा, ओवरब्रिज बनने से क्षति बहुत होगा, तो हम लोगों ने कहा कि इसका रास्ता एक ही है, अब चौड़ीकरण करवा दिया जाए। हमने चौड़ीकरण के लिए आंदोलन किया, डीसी के यहाँ बातें हुई, एसडीओ के यहाँ बातें हुई, मीटिंग हुई, उसमें सब बातें तय हुई, लेकिन लोगों ने कह दिया कि नहीं इसका टेंडर हो गया है। लेकिन दोस्तों झूठा अफवाह बनाया गया, इसीलिए कि टेंडर के माध्यम से आपको कमीशन, इसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं, आने वाले दिनों में सारे लोग भुगतेंगे। हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता हैं, हमारे आपने बहुत अच्छा संबोधन किया। अभी मैं अगला वक्ता के रूप में हमारे निरसा के भावी विधायक केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य बड़े भाई श्री अशोक मंडल जी को मैं अनुरोध करूंगा जनता को संबोधित करें। अशोक मंडल जिंदाबाद, आए हुए हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आए हुए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष से लेके प्रदेश के पदाधिकारी साथीगण, कार्यकर्तागण, हमारे बीच कांग्रेस आई के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा हमारे जिला परिषद सदस्य, हमारा बेटी जैसा इतना सौभाग्यशाली है, इसके छाती के ऊपर में एनएस टूर भी जाने का काम कर रहा है, कलकत्ता से दिल्ली को जोड़ने का काम कर रहा है। उसके साथ साथ हम सौभाग्यशाली है निरसा के लोग जो हमारे बीच में दिल्ली से कलकत्ता जाने वाले जो मेन रेलवे लाइन है वो भी हमारे बीच में गुजरने का काम करता है। और यहाँ ऐसा जगह है, इस जगह पर है, और वो पच्चीस साल लगातार आपने देखा होगा यहाँ के जतन पर जो एक ऐसे राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यहाँ के जनता को मिला क्या, इसका आकलन हम सभी बंधुओं को करना चाहिए, हम सभी जनता को करना चाहिए। हम लोग देखा है इस 25 साल के अंदर में ना कहीं उद्योग लगा है, ना कहीं विस्थापित का समस्या का समाधान हुआ है, ना ही लोगों का जो आस्था और विश्वास, ये एक तरफ राजनीति के माध्यम से बोलते हैं हम गरीबों की पार्टी है, हम किसानों की पार्टी है, हम आंदोलन करने का काम करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ क्या आंदोलन, कैसा आंदोलन हम करते हैं, ना विस्थापित को हक मिला आज के दिन में माइथन और पंचायत कैंप का, ना यहाँ पे जितने मजदूर काम करते हैं छोटा बड़ा उद्योग में, ना उसका न्यूनतम मजदूर यहाँ पे अभी तक लागू करा पाया है। हमने देखा है, बोलता जरूर है बहुत कुछ बात,
लेकिन करने के समय हमें उस हक अधिकार यहाँ के ना मजदूरों को मिलता है ना यहाँ के लोगों को मिलता है। उपस्थित हमारे साथ मंच में महागठबंधन के सभी आदरणीय सम्मानित नेतागण, आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम के सभी सम्मानित नेतागण और यहाँ उपस्थित उड़ीसा प्रखंड के विभिन्न टोले मोहल्ले से आए हुए आप सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सभी लोगों को मैं अपनी ओर से इस सभा में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूँ। ये चिंता का विषय, आज सभी चीजें बंद हो रही, आज देश का हालत ऐसा है कि भाजपा के लोगों ने निर्णय लेना शुरू कर दिया। साथियों, ये विधानसभा का चुनाव है और ये चुनाव मूलतः आपके घर द्वार, आपके बाल बच्चों का भविष्य, बूढ़े बुजुर्गों का पेंशन, महिलाओं की सुरक्षा, नौजवानों का रोजगार, यहाँ पर बंद पड़े फैक्ट्रियों के विषय को लेकर के आज ये चुनाव झारखंड का चुनाव है, ये दिल्ली का चुनाव नहीं है। आज इसी आपके पास कुछ बात को लेकर के मैं आया हूँ। प्रचार प्रसार में घूम रहे हैं, बाजा गाजा के साथ घूम रहे हैं, अपना अपना भाषण दे रहे हैं, यहाँ तक क्या है वो भी बंद हो गया है। इन लोगों ने 5 सालों में इस राज्य का और देश का जो दुर्गति किया है, इससे आप लोग त्रस्त और त्राहिमाम हुए पड़े। अब फूल का माला की जगह प्याज का माला हो गया, अब प्याज ऐसा हो गया कि सोना से भी महंगा हो गया। मध्यवर्ती लोगों को तो जीना दुहर हो गया है। इन लोगों ने तो हमें 100 रुपया किलो भी नमक खिलाने का एक समय काम किया है। आज ये लोग धीरे धीरे हमारे थाली के अंदर जो भात, चावल, दाल, सब्जी और सरकारी कंपनियों को बेचने पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। कभी आप सुनेंगे आप लोग कैसा मजा आ रहा है, क्या बोल रहा था जियो में शुरू शुरू में मोबाइल फ्री, सिम फ्री, और नशे में आ जाने के बाद लोगों का जेब में डाका डालने का ये लोग काम करता। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री जियो का ब्रांड एम्बेसडर हो तो बीएसएनएल तो घुटना टेक करके ही रहेगा, क्या करेगा बेटा। आज आप सुन रहे हो उनके रेल बिक रहा है, रेलवे स्टेशन बिक रहा है, कभी कभी आप लोग ये भी सुन रहे होंगे कि कोल इंडिया भी बिकने की तैयारी में, लोगों के हाथ में देश को देने की तैयारी कर रहे हैं। और ये हम लोगों को कठपुतली बना करके उठो तो उठो, बैठो तो बैठो करने का ये लोग आदेश करेगा।
हम लोग को इन लोग इस तरीके से देश पारित हुआ। अगर इस देश में धर्म के नाम पर निर्णय होने लगे तो देश हमारा भारत और पाकिस्तान में फर्क क्या रह जाएगा। आज ये लोकतंत्र का लोकतांत्रिक देश है, आज सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। आज धर्म विशेष को लेकर के आप निर्णय लेने लगेंगे तो ये बहुत खतरनाक इस देश के लिए आने वाला समय होगा। आज इसके साथ ही बहुत सारी चिंता का विषय है। आज ये लोग मूर्ति के नाम पर राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे। ये लोग आज ना पटेल जी की मूर्ति बना करके उनके आदर्शों से कोई लेना देना है, ना राम जी के मंदिर बना करके राम जी के आदर्शों से लेना देना है। आज यहाँ भूखा लोग मर रहा है, देश का जीडीपी होने को गिरा पड़ा है, बैंक डूब रहा है, नौजवान बेरोजगार हो रहा है। इस विषय पर चिंता इनको नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनको हिंदू और मुस्लिम करना है, इसका कुछ नहीं है। का घर, उसके घर में पानी नहीं पहुंच रहा है, कई ऐसे 15 स्वास्थ्य केंद्र 5 साल से बंद है, 12 बदियापुर अभी भी बंद है। चरण का चुनाव हो गया, यहाँ जबका सीमेंट फैक्ट्री व्यवस्था को चरमरा के रख दिया है। आज गरीब मरने पर तैयार है। आज हमारे प्रधानमंत्री कल आकर के कहे हैं जो केंद्र से सरकार राज्य सरकार को आती है यहाँ पर लोग खा जाते हैं। आखिर ये बताइए प्रधानमंत्री जी, यहाँ खाने वाला लोग कौन है, यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ की सरकार किसकी है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी और आप की सरकार है जो इन लोगों ने उनका सरकार का ही पैसा खा लिया है। आज हमने करके उनको तबाह किया हुआ है। आज पूरा राज कर्मचारी से लेकर के यहाँ पर आम नागरिक तक तबाह। आज पूरी देश की महिलाएं असुरक्षित हुई पड़ी है, रोज महिला के साथ कोई और गलत काम हो रहा है, कहीं सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है तो कहीं सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी जा रही है, ये कभी नहीं कहते हैं। कमाल है, आज पूरा देश त्राही मान है सरकार से, व्यापारी भी खुश नहीं है। आज इनके विधायकों की वजह से धनबाद की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। आज यहाँ हार्ड कोर का सारा फैक्ट्री टूट चुका है। आज इस वजह से सैकड़ों लोग बेरोजगार हो चुके। आज इसके साथ ही कई समस्याएं सरकार ने 5 साल में खड़ी कर दी। किसान आत्महत्या किया, नौजवान बेरोजगारी से आत्महत्या किया, लोग भूख से मर गए। ये क्या हो रहा, ये क्या हो गया देश में, क्या हो गया हमारे झारखंड राज्य में? पंखा चालू कर दिया है, आगे बहुत सारे कार्यक्रम है। इन जुमले क्या है, आपका बेटा और भाई के रूप में आए हैं, एक बार आशीर्वाद देके देखिए, आपका ये राज, आपका बेटा आने वाला समय, आपके बेटा बेटियों के लिए भविष्य का कैसे उनका सुधरेगा, उनको कैसे रोजगार मिलेगी, ये हम सुनिश्चित करेंगे। आज इसके साथ हरा झंडा लेकर सरकार बनने के बाद सभी कंपनियों को खोलने का काम करेंगे और उसमें जो लोग रोजगार कर रहे हैं बहुत ज्यादा कहते हैं। एक बार जोरदार के साथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत की पत्नी के नाम, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
तरीके से ये देश लोकतांत्रिक देश है, इसको कई तरीकों की तरफ से आप लोग पे नक्सलवाद के साथ गांठ बांधकर